रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम देखिए दोस्तों, बारिश पड़ रही है बहुत ज्यादा, तूफान भी आया था पर इधर की तरफ उतना तूफान नहीं आया है, तो हवा चल रही है बहुत तेजी से और बारिश भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसी मौसम में, अच्छा मौसम है, एकदम ठंडा मौसम है, कुछ इसमें फन करते हैं या कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि चले आप कुकीज़ बनाएं, क्योंकि हमारे पास कुकीज़ का सारा सामान रखा था, पहले से मंगा के रखा था, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। तो मौसम इतना अच्छा हो गया तो फिर मन करने लगा, ठंडा हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुकीज़ बनाते हैं। दोस्तों, कुकीज़ में जो हम चीज़ें डालेंगे उसके लिए जो सामग्री है, ये देख लीजिए आप, मेज़रमेंट का कप है। इस कप के हिसाब से एक कप मैदा लिया है मैंने, काफ़ी बड़ा कप है ये। और उसके बाद वाला जो मिडल कप है उसमें हमने चीनी लिया है, चीनी पाउडर शुगर है, कैस्टर शुगर भी कह सकते हैं इसको। और ये बटर है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। ये कप, इस कप से छोटा कप है ये, करीब 100 ग्राम मक्खन है। और ये 1 टीस्पून करीब बेकिंग सोडा है। और साथ में हम इसमें चिप्स डालेंगे, चॉकलेट चिप्स डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बटर और चीनी को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, पहले हम इसको चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें बीटर चलाऊंगी तो उड़ने लगेगा चीनी है, इसीलिए पहले थोड़ा सा हाथ से इसको चम्मच से मिला लेंगे। इसको फेटेंगे, उसके बाद मैदा मिलाते समय अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट करने के लिए हमें थोड़ा कुछ चाहिए, क्योंकि हम अंडा नहीं डाल रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा मिल्क ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मक्खन एकदम फिट गया है, एकदम लाइट हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हम छान के डालेंगे, इसके लिए हम पहले मैदा डालेंगे और बाद में बेकिंग पाउडर डालेंगे। हमारा ये जो हमने मक्खन लिया है, ये मक्खन सॉल्टी मक्खन है, इसलिए हम इसमें सॉल्ट नहीं डाल रहे। अगर आपके पास मक्खन बिना सॉल्ट वाला हो तो आप उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अब हम लोग इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, जिसकी बेकिंग पाउडर भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोस्तों, इसको हम पहले अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा वनीला डाल रहे हैं, वनीला एसेंस। देखिए दोस्तों, हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कुकीज़ को बिना अंडे के बनाया है, सिर्फ बटर और मैदे के साथ और बेकिंग सोडे के साथ। तो अब हम इसमें थोड़े से चिप्स मिला लेंगे, चॉकलेट चिप्स है दोस्तों ये, तो हम इसको मिला लेंगे और बाद में हम ऊपर से भी चॉकलेट के चिप्स थोड़े चिपका देंगे। देखिए दोस्तों, डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको ट्रे में सजा लेंगे। तो मेरे पास केक वाला ट्रे है, मैं इसी में बनाऊंगी। इसके लिए हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स लगा लेंगे। दोस्तों देखिए, कुकीज़ बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इसको हमने 160 डिग्री पर 20 मिनट के लिए कुक किया है, बेक किया है। और सबका माइक्रोवेव का सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है,
तो जब एक दो बार करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या गलती रह जा रही है। दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर बनी है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास बनी है, मार्केट जैसी बनी है। दोस्तों आप भी बना के खाइए, और अगर आपको मेरा चैनल का ये बिस्किट का रेसिपी अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी।